ये जो इमेज में आप इस आदमी को देख रहे हैं, उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नाखून काटे ही नहीं, तो क्या आपको इनके नाखून का साइज पता है? और एक ऐसा प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका के लिए खोद डाला कई किलोमीटर का सुरंग। तो इन सब फैक्ट्स का आंसर जानेंगे अगले 5 मिनटों के अंदर। WhatsApp सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, और कारण बस इतना है कि यह ऐप पूरी तरह फ्री है और इस पर कोई ऐड नहीं आती, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग डाटा शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए मात्र 55 इंजीनियर कंपनी में है, और एक इंजीनियर 1.8 करोड़ यूजर्स को हैंडल करता है ना, काफी अमेजिंग। ये इनसे मिलिए, ये है श्रीधर चिल्लाल, जो कि हमारे भारत के पुणे में रहते हैं। दोस्तों, इनके हाथ की उंगलियों के जो नाखून है वो इतने लंबे हैं कि आप इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। इनके नाखून की लंबाई लगभग 358.1 इंचेस है, जो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और चिल्लाल जी ने ये बताया कि इन्होंने अपने नाखूनों को सन 1952 के बाद से काटा ही नहीं। ये वीडियो उन लड़कियों के साथ शेयर करें जो अपने लंबे नाखूनों पर गर्व करती हैं। अब इनसे कॉम्पिटिशन करके दिखाएं। आपने कभी ये बात सोची, या आपके मन में कभी ये बात आई कि दुनिया भर में कितना रुपया होगा? अगर नहीं सोचा तो एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंड यूनिक सवाल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में लगभग 75 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, और अगर यही अमाउंट पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति को बांट दिया जाए तो लगभग $11,000 प्रति व्यक्ति आएगा, मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास 7 लाख रुपए होंगे। अगर ऐसा किया गया तो हर एक व्यक्ति लखपति जरूर बन जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि प्यार के लिए लोग 7 समुंदर भी पार कर जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्यार के लिए कोई अपने घर से प्रेमिका के घर तक गुफा खोद डाले? जी हाँ, एक ऐसा केस भी हुआ है, और ये केस अमेरिका का है, जहाँ एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका से मिलने के लिए अपने घर से प्रेमिका के घर तक सुरंग खोद डाली। और इस बात का पता तो तब चला जब प्रेमिका का पति ऑफिस से समय से पहले आ गया और उसको अपने पत्नी के पास देखा, और जैसे ही पति ने देखा, भाई 9 to 11 हो गया, और ढूंढने में पता चला कि सोफे के नीचे से प्रेमी के घर तक एक सुरंग बनी हुई है। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल का अफेयर था भाई। नीदरलैंड का एक बहुत ही सुंदर गांव है जिसका नाम है गायथून। दोस्तों, इस गांव की दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए वहां के लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि गांव में एक सड़क भी मौजूद नहीं है। आप जरा सोचो कि कितना खूबसूरत लगता होगा ना ये गांव। क्या आप भी इस गांव में जाना चाहेंगे? और अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार डोमिनोज ने एक एड में यह कहा था कि अगर उनका कोई लोगो टैटू कराएगा तो उसे वो लाइफ टाइम पिज्जा फ्री देंगे। तो उसको देखते हुए इतने ज्यादा लोगों ने टैटू कराया कि इस ऑफर को डोमिनोज को 5 महीनों के अंदर बंद करना पड़ा था, क्योंकि लोग शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू करा लेते थे और लाइफ टाइम पिज्जा फ्री का पैकेज उठा लेते थे। इंडिया तो यार फालतू में बदनाम है, फ्री का सामान तो यार सभी लेना चाहते हैं। भेड़ियों को आपने अक्सर जंगलों में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भेड़ियों की एक प्रजाति समुद्रों में भी रहती है, और वो ज्यादातर अपने शिकार समुद्रों से ही करते हैं और कई किलोमीटर तक अपना शिकार तैर कर ही करते हैं। ये भेड़िया ज्यादातर समय समुद्रों में ही रहकर बिताते हैं, क्योंकि इनके DNA में पानी में रहने वाला गुण मौजूद है। अब आप लोग मुझे यह बताएं, क्या आपको कभी किसी सुंदर लड़की से बात करते वक्त थोड़ी डर या हिचकिचाहट महसूस हुई है? जरूर जिंदगी में एक ना एक बार तो ऐसा हुआ ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस डर को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सेलिगेनोफोबिया, और इस फोबिया का दूसरा नाम है फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। तो क्या आप भी लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, या कोई आपके आसपास कोई ऐसा लड़का है? तो देखिए जरा, कहीं उसे भी ये फोबिया तो नहीं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपने कई तरह की मछलियाँ खाई होंगी, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपने भी कई तरह की मछलियाँ देखी तो जरूर होंगी। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी मछली देखी है जो सिर्फ पानी में तैरती ही नहीं बल्कि हवा में उड़ती भी है? जी हाँ दोस्तों, और इस मछली का नाम है गरनाई मछली, और यह मछली पानी से लगभग 1300 फीट तक ऊपर उड़ान भरने में सक्षम है, और यह मछली मोस्टली महासागरों में पाई जाती है ना, काफी वंडरफुल मछली है।
दोस्तों अब मैं आपको किसी से काम कराने का एक अनोखा फंडा बताता हूँ। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी इंसान से कोई काम कराना चाह रहे हैं तो पहले उस इंसान को बड़ा काम दो, वो मना कर देंगे। उसके बाद उस इंसान को आप छोटा काम दो जो आप एक्चुअली में देना चाह रहे हैं और फिर रिजल्ट्स देखें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके साथ ये ट्रिक वर्क कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी मजेदार फैक्ट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।